गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। हमारे यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आजकल सर्दी का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सर्दी नजला जुकाम एक बहुत आम बात है और हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो कहते रहते हैं कि सर बताइए कोई नजला खांसी जुकाम के लिए कोई दवाई बताइए, आयुर्वेदिक दवाई बताइए। और ये कोरोना वायरस का अभी आउटब्रेक हुआ है चाइना में, इंडिया में भी कुछ छिटपुट खबरें सुनने को मिल रही हैं। ये कोरोना वायरस भी एक तरह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी पर अटैक करता है। जो पहले आउटब्रेक हुई थी, जो पहले रोग फैला था, सार्स, आपने नाम सुना होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसी की फैमिली से कोरोना वायरस आता है। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको आयुर्वेद के एक ऐसे उपहार के बारे में बताने जा रहा हूं जो इसके बारे में कम लोग जानते हैं और जो सर्दी नजला खांसी जुकाम इनमें बहुत लाभकारी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये है व्योषादि वटी जो आप देख रहे हैं, ये बैद्यनाथ की है, लेकिन ये लगभग सभी प्रमुख आयुर्वेदिक कंपनियों की अवेलेबल है और ये एक शास्त्रीय योग है, क्लासिकल योग है, शारंगधर संहिता आदि जितने भी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उनमें इसका विवरण दिया गया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो शारंगधर संहिता से प्रमाणित है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं इसके बनाने में, दूसरे इसके जो मेजर इंडिकेशंस क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके नाम से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये वटी है। वटी का अर्थ आयुर्वेद में टेबलेट का होता है, यानी गोली का होता है। तो ये जो वटी है, ये इसका नाम है व्योषादि वटी। इसका जो कंपोजिशन है वो त्रिकटु है। त्रिकटु का अर्थ होता है तीन पदार्थ हैं आयुर्वेद के, यानी कि तीन औषधियां हैं। कौन कौन सी, उनमें एक है पिपली, जिसको हम पाइपर लौंगम भी कहते हैं, ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्च है, और सौंठ है, ये त्रिकटु है। इसके अलावा इसमें अम्ल वेतस है, तिंत्रडीक है, तालीश पत्र है, चित्रक है, जीरा हरित की है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है इसमें डाली गई है, ये हुआ इसका कंपोजिशन। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किन रोगों में करते हैं। उससे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का डिकंजेस्टेंट है। डिकंजेस्टेंट का अर्थ होता है कि बंद नाक को खोलने वाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बलगम, जो ऐसे पदार्थ जम गए हैं जो सांस के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये उनको, उन अवरोधों को दूर करता है। तो नंबर एक ये डिकंजेस्टेंट है। दूसरे ये एंटी टसिव है, यानी कि खांसी को रोकता है। और तीसरे ये ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी कि दमा के रोगियों में भी ये अति उत्तम औषधि है। अगर हम रोगों की बात करें कि ये किन रोगों में लाभकारी है, तो उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है खांसी का। अगर आपको खांसी की शिकायत है तो उसमें व्योषादि वटी आप ले सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि एक अकेली दवाई से काम नहीं चलता है। फिलहाल तो ये व्योषादि वटी का रिव्यू है तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन अगर आप खांसी के लिए दवाई लेंगे तो उसमें और भी दवाइयां होंगी, इस बारे में वीडियो में अभी फिर से बात करेंगे। आइए फिर से चलते हैं इसके इंडिकेशंस पर, यानी कि किन किन लोगों में लाभकारी है। तो नंबर एक, ये खांसी में अति उत्तम औषधि है। दूसरे ये कॉमन कोल्ड, यानी कि जो आम सर्दी नजला जुकाम जिसको कहते हैं, सर्दी हो गई है उसमें ये काफी अच्छा काम करता है। जो छींक आने की समस्या है, ज्यादा छींक आती है, सुबह उठते ही छींके आने लगती है, उसमें भी इसका काफी अच्छा रोल है, काफी अच्छा काम करता है। चौथे, ये साइनोसाइटिस के रोगियों में भी इसके फायदे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो जनरल डिसऑर्डर्स हैं उन सभी में व्योषादि वटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसकी मात्रा है, अगर बच्चा है यानी कि आयु 14 साल से कम है
तो उसमें एक गोली दिन में 3 बार, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर को और रात को, पानी से या दूध से। अगर व्यस्क है तो 2 गोली दिन में 3 बार, सुबह को नाश्ते के बाद, दोपहर को और रात को खाने के बाद आप ले सकते हैं। दोस्तों ये व्योषाधीन वटी का एक सामान्य विश्लेषण है, एक रिव्यू है। ये जो मैंने आपको बताया गया है, ये सभी जानकारी जो दी गई है इंफॉर्मेशन पर्पज से है। अगर आप इस पर्टिकुलर आयुर्वेदिक औषधि के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या अधिक जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड समस्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है किसी भी प्रकार की, सामान्य या विशेष, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा लिंक दिया गया है, मेरी कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, बस आप वहां पे जाइए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आसान है। हमारी वेबसाइट भी है www.pwm.health, तो हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ऐसी ही एक और वीडियो के साथ में फिर से आपके सामने होऊंगा, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।